हेलो एवरीवन, मैं सुरेश, मेरा क्रिएटिव एनालिसिस बाय सुरेश जी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए, दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बंगाल में बहुत ही विख्यात साड़ी मिलता है दोस्तों, जो कि कुछ दिन पहले दोस्तों सबसे पहले ये साड़ी दोस्तों बांग्लादेश यानी ढाका में ये साड़ी अधिक तैयार होता था। अब दोस्तों इंडिया में कुछ कुछ जगह में भारत में भी तैयार हो रहा है। तो अगर दोस्तों आपको ढकाई साड़ी खरीदने का शौक है, लेना चाहते हैं, तो आपको हम सही जानकारी दे देते हैं। घर पर आप जो दोस्तों दुकान में जाइएगा तो आपको दुकानदार ठग नहीं पाएगा। तो ढकाई साड़ी को कैसे पहचानिएगा वो आपको बताऊंगा दोस्तों, पहचानने की तरीका आज हम सिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों फटाफट आपको ढकाई साड़ी को पहचान करवा देते हैं, जैसे कि आपको ठग नहीं पाए। देखिए दोस्तों ये ढकाई साड़ी है, ये दोस्तों कम दाम का है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये कम दाम का ढकाई साड़ी है, बिल्कुल ढकाई की तरह डिजाइन है दोस्तों, देख लीजिए ढकाई की तरह डिजाइन है। अंदर से हाथ देने से मेरा हाथ जो है दिखता है आर पार, देख लीजिए दोस्तों मेरा हाथ जो है अंदर से दिख रहा है। तो अब दोस्तों इसका बगल से सूता निकलती रहता है, आपको ये सूता को निकालना पड़ेगा दोस्तों, धागा को, ये धागा को दोस्तों तो सहारे कोई चीज़ से निकाल लीजिएगा, सेफ्टी पिन से ही निकाल के देख लीजिएगा, आपके पास सेफ्टी पिन रखिएगा दोस्तों। निकालने के बाद दोस्तों इसको टान के देखिएगा, ये देखिए दोस्तों टूट जाता है और ये सूता रबर के तरह है, देख लीजिए दोस्तों। अब इसको और भी पहचान कराने के लिए और शॉर्टकट तरीका देते हैं दोस्तों, देखिए ये धागा है, ये देखिए दोस्तों सलाई को निभा बुता दिए हैं, देखिए दोस्तों इस पर देते हैं, ये सलाई जो है इसी में रह जाता है, ये देखिए दोस्तों ये पकड़ लेता है रबर की तरह, इसमें चिपक के रह जाता है, ये देखिए दोस्तों, यानी ये देखिए खदकने लगा है, यानी ये आपका पॉलिस्टर सूता दिया है दोस्तों, ये कम दाम का ढकाई है, यही पहचान है, पॉलिस्टर का रहता है, इसका दाम कम है। लेकिन पॉलिस्टर साड़ी में एक फायदा जरूर है दोस्तों, इसका दाम कम है मगर इसका टिकाव अधिक दिनों तक है, और ओरिजिनल है दोस्तों, ये ज़्यादा दिन यूज करने से अधिक दिनों तक, तो इसके मुकाबले ये दोस्तों जो है आपका दामी है, ओरिजिनल है, मगर ये आपका ज़्यादा यूज़ करने से ये इसका सूती का सूता रहता है दोस्तों, ये सूती का सूता मोटा मोटी 2-4 साल के बाद थोड़ा सा डैम्प हो जाता है, लेकिन पॉलिस्टर सूता 8-10 साल के बाद भी जल्दी डैम्प नहीं होता ये साड़ी, इसीलिए दोस्तों कम दाम का भी आप ले सकते हैं, लेकिन पहनने से थोड़ा खसखस लगेगा बदन में, और ये पहनने से खसखस नहीं लगेगा क्योंकि ये नरम होता है पहनने, तो सूती का चीज़ है दोस्तों। तो और भी दिखा देते हैं दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, देखिए दोस्तों ये जो है ढकाई साड़ी ओरिजिनल है, इसको कैसे पहचानेगा दोस्तों, चलिए इसको भी हम साइड से सूता निकालते हैं, साइड से धागा निकाल करके इसको भी जो है दोस्तों इस तरह से निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद ही इसको सेम पहले की तरह इसको हम माचिस के तीली से इसको जो है देखेंगे जला करके, ये दोस्तों जलता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों फटाफट माचिस का तीली जलाते हैं, ये देखिए जला लिए, अब दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये जलता है मगर गलता नहीं है, ये जलेगा मगर पिघलेगा नहीं, जलकर ख़त्म हो जाएगा, और पॉलिस्टर दोस्तों पिघलने लगता है गर्म पड़ने से, यही इसका पहचान है। अब आपको दोस्तों आशा करते हैं ढकाई साड़ी आप लोग आसानी से पहचान लीजिएगा और आपको कोई ठग नहीं पाएगा। तो मेरा वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।